बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। आज हम बना रहे हैं स्पेनिश ऑमलेट, और उसके लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है देख लेते हैं। हमने 4 एग ले लिए हैं, और ये हमारे पास वन ओनियन है, तकरीबन अगर मेजर करें तो 150 ग्राम है। ये हमारे पास बंद गोभी है, ये भी 150 ग्राम है। और ये हमारे पास पोटैटो है, इसे छोटे पीसीज में हमने कट कर लिए, ये भी 150 ग्राम है मेजर में। ये हमारे पास धनिया है, ब्लैक पेपर है, साल्ट है, ये हमारे पास थोड़ा सा ऑयल है, ये मोज़रेला चीज़ है। हम सबसे पहले ऑयल डालेंगे पैन में, पैन को हमने गर्म होने के लिए रख दिया है। ऑयल डालेंगे उसमें, हम पोटैटो डाल देंगे, हमने पोटैटो को सॉफ्ट करना है। ये छोटे पीसेस में काटा है तो ये जल्दी सॉफ्ट हो जाएंगे। ये हमारे थोड़े से सॉफ्ट हो गए हैं, बाकी हम बाकी वेजिटेबल डाल के सॉफ्ट करेंगे। हमारे पास ओनियन था, उसे डाल देंगे, तकरीबन ये 150 ग्राम है, यानी 1 कप। थोड़े से पहले सॉफ्ट कर लेंगे। थोड़ा सा हम इसमें भी साल्ट डालेंगे, थोड़ा सा, क्योंकि हमने अंडों में भी डालना है, थोड़ा सा साल्ट जाएगा। साल्ट हमने इसलिए डाला है कि ओनियन हमारे जल्दी सॉफ्ट हो जाए। हमारे पास ये बन गोभी है, कैबेज, वो भी डाल लेंगे। हमने स्पाइसेस में सिर्फ साल्ट यूज़ किया है और कोई स्पाइस यूज़ नहीं किया। हमने थोड़ा सा इसमें पानी डालना है, थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा पानी डाल के इसे हमने 5 से 7 मिनट के लिए ना कवर करके रख देना है, ताकि ये हमारी सारी चीज़ें जो है ना वो सॉफ्ट हो जाए। जी हमारे काफ़ी हद तक ये सॉफ्ट हो चुके हैं, थोड़ा सा हम इसे और करेंगे। अब तो हम ऑफ कर लेंगे, डन हो गया। ये 4 एग ले लिए थे, अभी हमने उसमें भी डाला हुआ है, वेजिटेबल्स में भी साल्ट, तो इसमें थोड़ा डालेंगे। इसमें आप फ्रेश रेड चिली भी डाल सकते हैं।
हम इसमें वेज पेस्ट डाल देंगे, जो हमारे पास वेजिटेबल का पेस्ट है वो भी इसके अंदर चला जाएगा। पेस्ट रेडी हो गया। ये जो जिस वेजिटेबल वाले पैन में ना थोड़ा सा ऑयल डाल लेंगे, आंच हमने स्लो कर दी है, हाफ पेस्ट डालेंगे। इसमें हम चीज़ डालेंगे, थोड़ी चीज़ हम ग्रेट करके डालेंगे। इसके बाद जो लेफ्ट ओवर हमारे पास पेस्ट था उसके उसके ऊपर फैला लेंगे। आँच हमारी बिल्कुल धीमी है, अभी हम लीड से कवर करके इसे 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे एक तरफ से, फिर हम आपको बताते हैं नेक्स्ट। हाँ जी, अब ऐसे हमने एक प्लेट रखनी है तो इसे फ्लिप कर देना। ये हमने फ्लिप कर लिया, अब हम इसे पैन में डाल देंगे, थोड़ा सा ऑयल डालेंगे ताकि इसे लगे नहीं। इजी भी है, इससे आपका अंडा टूटता नहीं है। जी हमारा स्पेनिश ऑमलेट रेडी हो चुका है, कट करेंगे इसको। देखिए हमारा कितना टेस्टी ऑमलेट रेडी हो चुका है, इसकी चीज़ भी प्रॉपर तौर पे मेल्ट हो चुकी है अंदर से, आप चेक कर सकते हैं। अब ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को, अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगती है तो हम शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, अल्लाह हाफिज़।